हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार में। दोस्तों, ये ओप्पो का फ़ोन है। मान लीजिए ओप्पो का फ़ोन आपका अचानक टच काम करना बंद कर दिया है, आपका मोबाइल हैंग हो गया है और आपका टच नहीं काम कर रहा है, या मतलब डिस्प्ले पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, अपने फ़ोन को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करना है। और मान लीजिए आपके फ़ोन का टच नहीं काम कर रहा, तो आप अपने फ़ोन को रिबूट और रिस्टार्ट कैसे करोगे? यहाँ पे मान लीजिए आपका ऊपर नीचे यहाँ पे टच नहीं काम कर रहा, तो आपको ऐसे में आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट रिबूट कैसे करोगे? दोस्तों, आपका मोबाइल यदि हैंग हो गया है, टच काम नहीं कर रहा, डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करना है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक चलते चल जाते हैं हमारा मोबाइल जो है हैंग हो जाता है, हमारा टच काम करना बंद कर देता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम अप बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है। थोड़ा टाइम तक प्रेस करके रखोगे, आप लगभग 10 सेकंड तक आप इसको प्रेस करके दोनों बटन को रखोगे, तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा और जो है आपका हैंगिंग प्रॉब्लम जो भी है वो ठीक हो जाएगा दोस्तों 100%, यदि आपका सब कुछ सही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक चलते चलते हमारे फ़ोन का डिस्प्ले गायब हो जाता है, या चलाते चलाते हमारे फ़ोन का जो है टच काम करना बंद कर देता है, अचानक टच स्टॉप हो जाता है, टच नहीं काम करता है, तो ऐसे में ये वीडियो आपको बहुत ही काम आएगा दोस्तों। एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखिए और रिबूट और रिस्टार्ट करने में कोई पैसा नहीं लगता है। रिबूट करने के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को लगभग 10 से 15 सेकंड आप लगातार प्रेस करके रखोगे, तो आपका फ़ोन रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा और हैंगिंग प्रॉब्लम यदि आपके फ़ोन में रहेगा तो 100% सही हो जाएगा। ये हमारा फ़ोन ऑन हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो है टच काम कर रहा है, पहले टच नहीं काम कर रहा था। तो वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।